देखो तुम्हारा घर बर्बाद हो गया। कोई बात नहीं, मैं फिर से बना लूंगा। लेकिन सच्चाई तो यही कि हम उसे हरा नहीं सकते, लखा के हथियारों के साथ भी नहीं। अब हमें अपने लिए नया घर ढूंढना पड़ेगा। मुझे यकीन नहीं होता, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मुझे अपनी माँ के पास रहना पड़ेगा। मन तो नहीं है लेकिन रहना पड़ेगा। बाबू, क्या तुम्हारे पास मेरी माँ का फोन नंबर है? हम हार नहीं मान सकते, हमें कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। चलो सोचते हैं। पर हमने सब कुछ तो किया, कोई फायदा नहीं। लेकिन खली, वो सही कह रहा है, हम उसे नहीं हरा पाएंगे। ये जंगल अभी छोड़ देना चाहिए। मैं राजा हूँ, मैं मानता हूँ हम हार गए। नहीं, हम हार नहीं मान सकते, हम यहाँ रहते हैं। लाका, अपना दिमाग चलाओ। मैं कुछ भूल रहा हूँ, बस याद नहीं आ रहा कि क्या भूल रहा हूँ। मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे मिल गया। हे लक्का, देखो मुझे क्या मिला है। सोडा। वैसे तो ये पहले से खुला है, क्या मैं इसे पी सकता हूँ? सोडा? ओए डब्लू, अभी मजाक मत कर। मुझे शायद कुछ याद आ रहा है। निब्बानी ना, राजा भैरव, क्या तुम लोग ठीक हो? वो करमचंद, वो पागल हो गया है, वो हर तरफ तबाही मचा रहा है। सही कहा, और सबसे बड़ी बात है वो जंगल के सारे जानवरों पे हमला कर रहा है। वो क्या था? चलो चलकर देखते हैं। ये क्या है? अगर उसे नहीं रोका तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। अब तो मैं ये सोडा भी नहीं पीना चाहता। और ये पूरा सोडा बाहर गिर गया। सोडा बाहर गिर गया? मेरा सर। समझ गया, मैं जानता हूँ मॉन्स्टर बॉट को कैसे हराएंगे। कैसे? बहुत आसान है, सोडा से हराएंगे। लखा सुनो, हम जानते हैं कि तुम अपनी चीज किसी को नहीं देते, लेकिन इसे डब्लू को दे दो। मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया। मैं अपनी चीजें सबके साथ बांटता रहता हूँ। जब सोडा मॉन्स्टर बॉट के ऊपर गिरा तब वो बॉट पिघलने लगा था, तो हम इसी तरह से उसे हराएंगे। अगर ऐसी बात है तो शायद हमें कोशिश करनी चाहिए। सही कहा, अब हमें बस करमचंद को ढूंढना है, आसान है। उसके बाद हम उसे सोडे में नहलाएंगे। मैंने ये क्यों नहीं सोचा, लक्का हमेशा मॉन्स्टर बॉट की कमजोरी का पता कैसे लगा लेता है। मुझे भी सोचना चाहिए। वैसे अगर तुम्हारे आइडिया ने काम नहीं किया तो क्या होगा, पूरा सोडा बर्बाद हो जाएगा ना, और मैं उसे बर्बाद होते नहीं देख सकता। चलो दोस्तों, मॉन्स्टर बॉट को हराते हैं। राजा भैरव, नीना निब्बा, सबको सुरक्षित जगह ले जाओ। फिक्र मत करो, ऐसा ही होगा। चलो चले, चलो चल के चिंटू और मंगू को ढूंढते हैं। मुझे फिक्र है। है, और एक बार जज मेरा मॉन्स्टर बॉट देख लेंगे तो वो फर्स्ट प्राइज भी मेरा ही होगा। ओए करमचंद, तेरा मॉन्स्टर बॉट बहुत ही ज्यादा घटिया है। क्या कहा तुमने? अपना मॉन्स्टर बॉट लो और घर जाओ, तुम प्राइज के काबिल नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो? पहला इनाम मुझे ही मिलेगा, तुम देख लेना बस। ये तुम्हारा सपना है। तुम लोग कभी भी नहीं सीखते हो, है ना? मेरे आदेश पे टेंटेकल अटैक। वही रुको,
आ रहे हैं। डब्लू बोल रहा हूँ, वो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। सब लोग तैयार हो जाओ। समझ गया। एक सेकंड रुको, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता है वो मुझे जानबूझ के यहाँ ले आया है। मास्टर, आपके पास मॉन्स्टर बॉट है, फिर चिंता क्यों? हाँ सही कहा, आगे बढ़ो। लखा, शुरू करते हैं। डब्लू, शुरू करो। खली। क्या हुआ? मास्टर, वुहू, देखो मैं सही था। हमला करते रहो दोस्तों। निकलो यहाँ से। मेरा सर। बहुत अच्छा लगा, तुमने सोडा और पानी मिला दिया, इससे ये बहुत जल्दी खत्म होगा। बिल्कुल, प्लान कामयाब होता है तो बहुत अच्छा लगता है। आखिरी हमला इस मॉन्स्टर बॉट को बर्बाद करने के लिए दोस्तों। बहुत दुख रहा है। बहुत दुख। आप देखना, वो उस मॉन्स्टर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। क्या तुम्हें लगता है ये मुझे रोक सकता है? हमने कर दिखा। मॉन्स्टर बॉट रूप बदलो। अरे नहीं, मैं हैरान हूँ, तुम लोगों ने मॉन्स्टर बॉट को हराने का तरीका निकाल लिया। लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोगों को अब भी नहीं पता ये क्या कर सकता है। ये तो बदल गया। ओए लखा, अब हम क्या करें? अब तो मुझे भी नहीं पता। अब तुम लोगों की खैर नहीं। लेजर का हमला। अरे नहीं, अब बम गएगा हमसे। हमला। बराबरी वालों से मुकाबला करो ना। बीच में घुसने की हिम्मत कैसे की? रुक जाओ। मेरा सिर। राजा भैरव, लगता है कि ठीक हूँ। देखो कौन तुम्हारे पीछे है। ओए भागो। ओए तेज दौड़ो। दिन में नारे दिख गए। अब क्या हुआ, तुम लोग रुक क्यों गए? अब हम क्या करें? हम उसे हरा नहीं सकते और हम उसे बच भी नहीं सकते। लगता है आखिरकार जीत मेरी ही होगी। अब पता गया है ये खेल खत्म करने का। मॉन्स्टर बॉट, इन सब को खत्म कर दो। मास्टर, क्या आप ठीक हैं? मास्टर, मास्टर। नहीं, नहीं। वो कंट्रोल में नहीं है, भागो। जल्दी आओ। हेलो, जल्दी करो। भाई, अब हमारा क्या होगा? मैं
दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट हूँ। मेरे लिए ताली बजाओ। सबसे तेज, सबसे बुद्धिमान, तबाही। मेरे मास्टर को छोड़ो। मास्टर उठिए, उठिए मास्टर। मास्टर। बहुत ही जल्द हम सब बेघर होने वाले हैं। हमने अपना घर खो दिया। के सामने गिरा है। हाँ, मैं सबिल्ला, उठो, उठ जाओ। क्या तुम लाखा हो? मेरे मास्टर को बचा लो। मास्टर बोर्ड शहर की तरफ जा रहा है। हाँ? शहर की तरफ? काफी खतरनाक हो सकता है। मुझे पता है, मास्टर बोर्ड पूरी तरह से कंट्रोल के बाहर है। वो किसी भी चीज पर हमला कर सकता है। हमें उसे रोकना ही होगा। लेकिन सोडा खत्म हो गया और हथियार भी नहीं हमारे पास। चलो चल के और खरीद के लाते हैं। मैं शहर नहीं जा रहा। क्या तुम्हें हथियार चाहिए? लैब में बहुत हैं। ये देखो, ये सभी मेरे और मेरे मास्टर के द्वारा बनाया गया है। सभी के पास अलग अलग शक्ति है। एक और चीज जो सबसे ताकतवर है। अरे वाह, ये तो कमाल का है। ठीक है, सभी अपने हथियार ले लो। मॉन्स्टर बोर्ड शहर पहुंचने वाला होगा। मैंने तो अपना हथियार चुन लिया है। मेरी प्यारी बच्ची। ठीक क्या? वो वहाँ पर है। क्या कर रहे हो? ठीक से चलाओ। प्लान याद रखना, हमें इसे शहर से बाहर रखना है। चलो पकड़ के दिखाओ मुझे। अब इसका मजा देखो। सोडा बॉम्ब। ठीक है, ऐसा लगता है सब कुछ काबू में है। ये अपने आप ठीक हो रहा है। ये तो पहले से भी ताकतवर हो गया है। आ जाओ बड़े मियाँ, तुम्हें बिठाता हूँ। बाप रे। पब्लू, शायद हम पकड़े गए। संभालो खुद को लंका। मैं आ गया हूँ तुमको बचाने। चलो बच के दिखाओ मेरे इस खतरनाक हमले से। लल्लू। ये आखिर हो क्या रहा है? बाप रे बाप, इसके पास कितने हथियार हैं? जल्दी आते चलिए। मेरे पास गोलियां खत्म हो रही हैं। तुम्हारे पास है? मेरे पास इसके अलावा अब और कुछ नहीं है। सद्भावान महान
विनाशक। हे भगवान, अब और क्या कर सकते हैं? बबलू, मेरे पास एक आइडिया है। मैं उस मॉन्स्टर के अंदर जाके उस जादुई पत्थर को उड़ा दूंगा। यही एक रास्ता है, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। पर तुम अंदर जाओगे अकेले? चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मगर सावधानी से। चिंता मत करो, हमारा मकसद इस जंगल को बचाना है। मैं ये कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। इस जंगल को कभी बर्बाद नहीं होने दूंगा। बहुत कठिन आया। सबसे तेज, सबसे बुद्धिमान, तबाही। ये तैयार है। बाहर आ जाओ, कूदो। लखा जल्दी। लखा। लखा जल्दी बाहर आ जाओ। लखा जल्दी करो, बाहर आओ। ये कैसी आवाज है? तुम्हें लगता है आतिशबाजी है? मुझे नहीं मालूम। मास्टर। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लखा, लखा। सुनो लखा, तुम कहानी को ठीक से नहीं बता रहे हो। तुम्हें बच्चों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। वैसे छोड़ो भी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे बिना तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। चिंता मत करो, हमारा मकसद इस जंगल को बचाना है। मैं ये कर सकता हूँ। तुम नहीं लखा, तुम नहीं। लखा वापस आ जाओ ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें शहद भी दूंगा। बस तुम वापस चले आओ लखा। क्या सच में? ये तो लखा है। यहाँ आज तो करमचंद की बंदूक की वजह से आज बाल बाल बचा। इसे बचाने की कोशिश नहीं की होती तो मैं कब का आ जाता। मास्टर, मैं आपको उठा के ले चलूंगा। लगता है करमचंद भाग गया। उसको भूल जाओ। मुझे लगता है कि उसको ठीक होने में समय लगेगा। कम से कम इतनी बेवकूफियों के बाद वो जिंदा तो है, और ये सब लखा के कारण। वैसे फैंसम ही नहीं, बहादुर भी हूँ। लखा, तुम कमाल हो। करमचंद, आप मुझे फिर से इंतजार करवा रहे हैं। मुझे पता था मॉन्स्टर बॉट आपके बस की बात नहीं है।